लोग देख रहे हैं स्टोक क्रशिंग की एक और नई वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ ड्रीम लैंड्स में, जो कि एक सर्वाइवल सीरीज है माइनक्राफ्ट की। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ सेमी ऑटोमेटिक व्हीट फार्म, क्योंकि मैं कोई विलेजर्स को लाने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज मैं बनाने वाला हूँ सेमी ऑटोमेटिक व्हीट फार्म। तो भाई उसके लिए, और मैं इसे बनाने वाला हूँ वाटर में, मतलब कि ओशन में। तो उसके लिए पहले तो मुझे वुड क्राफ्ट करनी पड़ी। तो पहले तो मैं वुड क्राफ्ट कर लेता हूँ। मैं ब्रूट के लिए मुझे स्टिक चाहिए पड़ेगी, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे क्राफ्ट करना पड़ता है बोट को। तो पहले तो आप लोगों को कुछ स्टिक्स चाहिए पड़ेंगी, तो मैं स्टिक्स बना लेता हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को एक शॉवल चाहिए, और शॉवल के बाद फिर आप लोगों को कुछ इस तरीके से रखना है और आप लोगों को बोट मिल जाएगी। तो मैं इतना जो सामान वेस्ट है वो मैं रख देता हूँ वापस अंदर। ओके, और जो सामान मुझे चाहिए, तो मैं सामान इसमें मैंने इकट्ठा पहले ही कर लिया था, तो मैं सारा सामान ले लेता हूँ। और गाइस सिल्क टच इसलिए मैंने ग्रास ब्लॉक भी तो कलेक्ट कर लिए थे अपने लिए। और तो गाइस इतना सारा सामान चाहिए, और मुझे कुछ टूल्स भी चाहिए, तो मैं टूल्स भी ले लेता हूँ। तो इधर से मुझे, तो गाइस इधर पे एक ओक लॉक लेना है, और मुझे और एक बटन क्राफ्ट कर लेना है, और वो वापस रख देता हूँ ओक। और मुझे कुछ टूल्स चाहिए, तो मैं सारे टूल्स ले लेता हूँ। इधर पे मुझे चाहिए एक स्वॉर्ड, क्योंकि अगर एनी मतलब कि कोई आ जाता है तो उसके लिए स्वॉर्ड, और कुछ नहीं चाहिए बस। और कुछ फूड चाहिए, तो मैं फूड भी ले लेता हूँ कुछ। तो भाई जो मुझे सामान लेना है, तो मैंने सामान ले लिया। अब चलते हैं बिल्ड करने के लिए। तो सीड मैं बाद में आके लूँगा, पहले मैं इसे बिल्ड करूँगा फिर। तो इधर पर मैं बोट को आप पहले रख देता हूँ, और फिर पहले तो मैं बोट में बैठता हूँ, और फिर चलते हैं थोड़े आगे। तो मैं जो अपना जो मैं वीट फार्म बनाने वाला हूँ, वो मैं यहीं पर बनाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो गाइस जहाँ मुझे केल्प दिख रहा है, मैं वहाँ तक चलता हूँ, और फिर वहाँ पर से सामान इकट्ठा कर लूँगा। तो चलते हैं वहीं तक। तो गाइस मैं अपना वीट फार्म यहीं पर बना लेता हूँ। तो लीव पहले तो वोट को लीव करता हूँ, और इधर पर ओके गाइस नीचे शिप रैक था जो मैंने पहले ही लूट लिया था। तो इधर से पहले तो मैं कैल्प कलेक्ट कर मतलब कैल्प पे बना रहा हूँ। तो मैं पहले तो कैल्प पे एक ब्लॉक रख देता हूँ। तो गाइस मैं कैल्प तक तो पहुँच गया हूँ, और जो मुझे इसकी डायरेक्शन करनी, तो पहले तो मैं केल्प कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए नीचे मैं जाता हूँ, वो प्लांट कर दूँगा। तो सारा केल्प अब ऊपर आ चुका है, तो मैं पहले तो केल्प सारे इकट्ठा कर लेता हूँ। कलेक्ट कर लिया है, तो मैं पहले तो बोट को छोड़ता हूँ नीचे, और फिर नीचे चलता हूँ, और फिर नीचे केल्प को प्लेस करता हूँ एक। तो मैं इधर पर ही, तो कुछ इस तरीके से पहले गाइस पूरा आप लोगों कैल्प को, जब तक आप लोग पानी के रूफ तक नहीं आ जाए, जब तक आप लोगों को कैल्प को प्लेस करना है। तो कुछ इस तरीके से प्लेस होगा गाइस, वरना या फिर अगर आप लोगों को कैल्प नहीं मिल रहा है, तो आप लोग कोई भी ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि तो गाइस मेरे पास, मैं ओशन में ही मतलब कि ओशन के पास ही हूँ, तो मुझे कैल्प ईजिली मिल गया, तो मैं कैल्प का यूज़ कर रहा हूँ। वरना आप लोग नीचे से आप लोग कोई भी ब्लॉक लेके आ सकते हैं ऊपर, फिर आप लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा। तो मैं कैल्प का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कैल्प ईजिली ब्रोक हो जाए, मतलब कि टूट जाता है। तो पहले तो मैं कैल्प पूरा लगा देता हूँ।
मैंने कैल्प लगा दिया है। अब मैं पहले तो एक ब्लॉक ले लेता हूँ डर्ट का, मेरे हाथों में ही होगा। तो डर्ट का ब्लॉक गाइस ये रहा। तो पहले तो मैं पहले पानी के ऊपर जाता हूँ और फिर मैं इसको ऐसे गाइस देखिए कुछ इस तरीके से प्लेस हो जाता है इजीली अगर आप कैल्प का यूज़ करते हैं। तो गाइस इसको मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस मैंने कलेक्शन सिस्टम बना दिया है, इधर पे कलेक्ट होगा सिस्टम और इसके बाद फिर आप लोगों को इधर पे एक्सटेंड करना है ब्लॉक को, 6 ब्लॉक को, क्योंकि 6 ब्लॉक के आगे फिर आप लोग ब्लॉक लगाएंगे अगर गाइस तो आप लोगों को पानी फ्लो नहीं होता 8 ब्लॉक तक, तो 7 ब्लॉक लगाना पड़ता है। लेकिन मैं 6 ब्लॉक इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इधर पर मैं स्टेयर का भी यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इधर पर ब्लॉक लगा देता हूँ, मतलब कि 6 ब्लॉक।
तो गाइस मैंने बना लिया है, मतलब कि जितना मुझे बनाना था। तो गाइस सेम इस तरफ भी मुझे बनाना है, लेकिन जो एक ब्लॉक मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि पानी का फ्लो भी चाहिए पड़ता है। तो गाइस जैसा इधर पे मैंने बनाया है सेम इधर पे भी मैं बना लिया। उन डर्ट ब्लॉक्स को मैं बाद में हटाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ। तो गाइस एक आप लोगों को मतलब कि जो लास्ट लाइन थी वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से बनानी है जैसे मैं बना रहा हूँ। तो गाइस मैं पूरा कर लेता हूँ ऐसा सेम जैसे मैंने अभी किया है। तो मैं ऐसा पूरा कर लेता हूँ जैसे इस तरफ बनाया, मैं सेम इस तरफ पर बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरीके का बना लिया मतलब दोनों साइड, और इधर पे एक मतलब कि नाली टाइप की बना दी है। अब इधर पर हम लोग करने के हवाले में पहले तो एक काम करता हूँ। इधर पर गाइस आप लोगों को भरना है पानी, तो पानी भरने के लिए आप लोगों को लेनी होगी बकेट, और मैं भर लेता हूँ सारी 1 2 3। तो इधर से नहीं भरना क्योंकि बोट यहाँ से हटती जा रही है, तो मैं सबसे पानी भरता जाता हूँ। तो गाइस मैंने पानी भर लिया है। अब इधर पे आप लोगों को करना क्या है, तो इधर पे पहले तो मैं एक ब्लॉकेज लगा देता हूँ। अब गाइस जैसे ही आप लोग इधर पे ब्लॉकेज लगा लें, उसके बाद तो पानी डाल देना इधर पर आप लोग, और आप लोगों का पानी पूरा इस ब्लॉक पर रुक जाएगा। और फिर इधर पर आप लोगों को कवर कर देना जैसे मैंने कवर किया है। आप लोग किसी भी ब्लॉक से कर सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा एरर हो गया था तो थोड़ा सा वीडियो रुक गई थी। अब इधर पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से ऐसे पानी डाल देना, और फिर आप लोगों को फिर से मैं ऐसे कवर कर देता हूँ। तो उल्टा लग गया है, तो पहले तो मैं ऐसे तोड़ता हूँ। तो गाइस फिर से गलत लग गई है, बट थोड़ी सही है अभी अभी पहले। तो गाइस मैंने मतलब कि थोड़ा सा वीडियो एरर हो गया था, तो मैंने इधर पर आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या किया है। इधर पर मैंने पानी डाल दिया है, और इधर पर भी मैंने पानी डाल दिया है, स्टेयर से कवर कर दिया है। और इधर पर गाइस मैंने थोड़ा सा मतलब कि इधर पर आगे एक लेयर बना दी थी, लाइन बना दी थी, जो कि इधर पर मुझे रखने हैं डिस्पेंसर्स। तो मैंने डिस्पेंसर्स को भी प्लेस कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। और फिर गाइस जो आप लोगों ने इधर पे सेंटर बनाई, तो किसी से आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो मैं इसे कवर कर लेता हूँ, जैसे ही इधर पे बनाया है मैंने सेम मुझे इधर पे ही बनाना है। मैं एक तरफ आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, और सेम उस तरफ बनाना है, तो मैं इधर पे बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ।
गाइस मैंने पूरे में मतलब कि डिस्पेंसर और रिपीटर्स लगा दिए हैं। अब आप लोगों को करना क्या है गाइस, इधर पे तो आप लोगों का काम हो चुका है, तो अब रेड स्टोन आप लोगों को डालना है। तो रेड स्टोन गाइस मैं मिड में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि रेड स्टोन अच्छा रहता है मिड के लिए। तो उससे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, क्योंकि अगर आप लोग लगाएंगे नहीं मतलब जो सामान इसमें लगना है तो आप लोगों का काम मतलब भी ख़राब हो सकता है। तो इसमें मेरे पास स्टेयर्स हैं, तो आप लोगों को स्टेयर्स अपसाइड डाउन लगानी पड़ेंगी गाइस, कुछ इस तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इधर पर मैं स्टेयर्स भी हाथ में ले लेता हूँ और इस ब्लॉक को तो पहले तोड़ देता हूँ। तो ओके गाइस मैं इसे हटा देता हूँ बाद में, बट इससे मेरा काम तो ईजी हो गया है। तो इसको कुछ इस तरीके से गाइस आपको लगाना है, क्योंकि देखिए आप लोग मैं चेस्ट को एक्सेस कर पा रहा हूँ, बट लेकिन जो पानी आएगा वहाँ से वो हॉपर्स पे रुकना चाहिए, तो हॉपर पे ही रुकेगा। क्योंकि अगर आप लोग उसे पानी का मतलब कि तो सही से नहीं होता, इसलिए आप लोगों को जो लगाना कंपलसरी है तो आप लोग लगा दीजिएगा। तो सेम इस तरफ मैं लगा देता हूँ। और गाइस एक रास्ता आप ऊपर जाने का भी बना दीजिएगा। तो पहले तो मैं इधर पर कनेक्ट कर देता हूँ, मैं पूरे में लगा दी और रात भी हो चुकी, तो पहले मैं सो जाता हूँ और इस डर्ट ब्लॉक को भी हटा देता हूँ। और फिर रेड स्टोन का कनेक्शन है आप लोगों को बताऊँगा। तो अब रेड स्टोन का सिर्फ कनेक्शन ही रह गया है, तो गाइस बस उसका ही काम रह गया है। तो पहले तो मैं इसे रेड स्टोन को लगा देता हूँ। और गाइस आप लोग पूछेंगे कि मैंने इधर पर स्टेयर्स क्यों लगाए, क्योंकि स्टेयर्स इसलिए लगाएं क्योंकि जब भी आप ऊपर जाते हैं बार बार तो ख़राब हो जाता है। तो इधर पर एक स्टेयर केस मैंने लगा दिया है। इधर पर आप लोगों को एक रिपीटर आप लोगों को इधर पर रखना है, एक ब्लॉक दूरी पे। तो इधर पर मैं एक काम करता हूँ गाइस, ऊपर से करके आता हूँ क्योंकि ऊपर से कनेक्शन सही रहेगा। तो एक मैं इधर पर रख देता हूँ और फिर इधर पर रेड स्टोन डस्ट, पीछे रेड स्टोन डस्ट, ऐसे आप लोगों। और रिपीटर्स गाइस मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कनेक्शन 14 ब्लॉक तक ही रहता है, वरना फिर कनेक्शन ख़राब हो जाता है, इसीलिए आप लोगों को लगाना कंपलसरी है। तो आप लोगों को लगा देना है, तो आप लोगों को लगा देना है, तो मैं लगा देता हूँ। और गाइस जैस और अगर आप लोग सेंटर में लगा रहे हैं तो आप लोगों को ये देखना है कि पानी इस ब्लॉक पे ना आए, क्योंकि अगर पानी अगर आएगा तो रेड स्टोन डस्ट मतलब कि हॉपर में ही कनेक्ट हो जाएगी। तो इधर पे आप लोगों ने कर लिया, मैं चला जाता हूँ ऊपर। तो गाइस आप लोगों को पूरे में आप लोगों को रेड स्टोन डस्ट डाल देना है, मतलब कि ब्लॉक में लगा रहा हूँ तो इधर पे आप लोगों को रेड स्टोन डस्ट डाल देनी है। और इधर पे मैं एक और कंपेरेटर का यूज़ कर रहा हूँ कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर पे ज़रूरत है उसकी, वरना नहीं यूज़ करता गाइस। तो इधर पर मैंने कर दिया, इधर पर से कनेक्शन पूरा इधर पर जाएगा। तो गाइस ऐसी रेड स्टोन डस्ट सेम उधर पे भी डालनी है, तो मैं डाल देता हूँ। तो गाइस मैंने लगा दिया रेड स्टोन डस्ट। अब इधर पे मैं कनेक्शन को चेक कर लेता हूँ कि कनेक्शन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो कनेक्शन चेक करने के लिए मैं इधर पे एक बटन भी लाया था, तो बटन मैंने इधर पे रखा था, तो ये रहा बटन। तो मैं पहले बटन को प्लेस कर देता हूँ और ऊपर चढ़ के देखते हैं कि, तो गाइस देखिए पानी तो सही से आना चाहिए। और पहले तो मैं पानी को देख लेता हूँ, तो गाइस सही से आ रहा है पानी। अब ऊपर मैं देख लेता हूँ कि ऊपर कोई कनेक्शन तो ब्रेक नहीं हुआ ना। ओके गाइस तो कोई कनेक्शन ब्रेक भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी मुझे एक और काम करना होगा कि जो लेयर है ये वाली गाइस, तो इसे एक और ब्लॉक ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें ऐसे रहा तो वीट मतलब कि ऊपर निकल आएगी, तो सेम करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसे एक ब्लॉक ऊपर कर देता हूँ और फिर गाइस मैं जितना मतलब चेंजेस करूँगा तो मैं आप लोगों को बाद में दिखा देता हूँ। मैंने सब कुछ सेट कर दिया और थोड़े से कनेक्शन में चेंज करना पड़ा गाइस, तो मैं आप लोगों को कनेक्शन का चेंज बता देता हूँ, क्योंकि कनेक्शन मतलब कि इधर पर पूरा
लाइटअप रह रहा था, तो कनेक्शन में एक ब्लॉक मैंने ऊपर इधर पे किया है, क्योंकि अगर मैं इधर पे रिपीटर लगा रहा हूँ तो गाइस एक क्लॉक बन जाए, क्लॉक मतलब कि क्लॉक पूरा काम कर रही है, तो उसके कारण भाई गाइस करंट मतलब कि फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने कर दिया है। तो अब एक बार आप लोगों को मैं चेक करा के दिखा देता हूँ कि कैसा काम कर रहा है करंट, तो आप लोगों को रेड स्टोन की वायरिंग भी दिखा देता हूँ, क्योंकि रेड स्टोन की वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देख सकते हो ये पानी स्टॉप हो चुका है, तो एक बार मैं फिर से क्लिक करता हूँ और देखिए पानी फिर से आ गया। कुछ इस तरीके का कनेक्शन होना चाहिए, तो मैंने कुछ कनेक्शन इस तरीके का बनाया है। तो इधर पे गाइस मतलब कि रिपीटर है वो एक ब्लॉक को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए मैंने इधर पे ऐसे करंट फ्लो करा दिया है, तो स्ट्रेट जा रहा है। और रिपीटर बीच बीच में आप लगाते रहना, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होता कभी कभी। और उसके बाद फिर एक ब्लॉक ऊपर गया मैं और एक ब्लॉक इधर पर, और फिर नीचे गया। इधर पर रिपीटर यूज़ मत करना आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग इधर पर रिपीटर यूज़ करते हैं तो आप लोगों का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और एक ब्लॉक हाई इधर से और एक ब्लॉक इधर पे, तो इतना कुछ कर लेना है। तो मैं पहले तो सो जाता हूँ, और फिर इधर पे आप लोग लाइटिंग भी कर लीजिएगा। तो मैं इधर पे लाइटिंग कर लेता हूँ और फिर हो बना के ले आता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं हो लेकर आ चुका हूँ और सीड भी लेके आ चुका हूँ। तो गाइस जैसे ही आप लोग कर लें, तो हो पूरे में आप लोगों को करना है, तो मैं हो पूरे में कर लेता हूँ। और गाइस देखिए वाटर इधर पे बीच बीच में फंसा है, क्योंकि मैंने सी पे बनाया है इसीलिए फंसा है। तो गाइस कुछ इस तरीके का मैंने बना दिया। और आप लोगों को मैं स्टेयर इसलिए बता दिया हूँ, देखो गाइस स्टेयर्स मैंने इसलिए बनाया है, जैसे कि आप लोग जंप कर करके जाएंगे तो देखिए, तो एक बार कुछ बार जंप करना पड़ेगा मुझे। तो इधर पे जो सॉइल है वो कुछ इस देखिए इस तरीके की हो जाएगी, लेकिन अगर स्टेयर्स का यूज़ करेंगे तो सॉइल ऐसी नहीं होगी। तो इसीलिए आप लोग मतलब कि अब मैं स्वीड मतलब कि इधर पे हो कर लेता हूँ पूरे में और सीड लगा देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, मतलब कि जब इसकी मतलब कि पूरी वीट रेडी हो जाएगी फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। गाइस मेरी वीट जो मैंने लगाई थी वो रेडी हो चुकी है, तो आप लोगों को मैं एक और बात बता देता हूँ। तो मैंने ग्लोस्टोन का यूज़ किया है लाइट के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को एक बार कनेक्शन और फिर से मैं बता देता हूँ। तो कनेक्शन के लिए मैंने ओके इधर पर कोई ओके कोई टेंशन नहीं है, और इधर पर स्ट्रेट कनेक्शन दिया है गाइस, बिल्कुल स्ट्रेट। और बीच बीच में मैंने इधर पर रिपीटर यूज़ किए हैं जिससे ये कनेक्शन स्टेबल रहे। और इधर पर एक ब्लॉक हाई इसीलिए किया है गाइस, क्योंकि फिर एक कनेक्शन हो जा रहा है तो पूरा कनेक्शन लाइट अप ही रह रहा है, तो इसलिए मैंने दो ब्लॉक हाई किया है, वरना कोई बात नहीं थी उसे हाई करने की, लेकिन कनेक्शन की वजह से मुझे करना पड़ा। तो अब गाइस इसे टेस्ट कर लेते हैं, अगर रेड स्टोन की जरूरत पड़ी तो रेड स्टोन मुझे लाना पड़ेगा। इसमें ग्लो स्टोन लगे थे वो दिक्कत कर रहे थे, तो मैंने सारे ग्लो स्टोन हटा दिए हैं। तो येलो ग्लो स्टोन देखेगा इस, तो काम देखिए कैसा, बिल्कुल वीट पूरी आती जा रही है इधर पर। तो देखिएगा इस वीट कुछ इस तरीके से आ रही है, मैं हट जाता हूँ तो देखिए गाइस पूरी वीट जो है मतलब कि इनमें चली जाएगी। और थोड़ी सी अटक गई है, वो अटकी इसीलिए क्योंकि गाइस मैंने इधर पे अभी हटाया नहीं है सामान, और वो पूरी हट गई है। और गाइस अब बंद करना हो सिस्टम को, तो सिस्टम को बंद भी कर देने के लिए आप लोगों को सिर्फ बटन पर क्लिक करना है। और देखिए गाइस पूरा पानी साफ, और गाइस मैंने पूरी हो कर दी थी। और आप जब भी करें तो इस तरह कलर की हो तो इसमें वीड बहुत जल्दी उगती है, अगर आप कलर की रहती है तो अच्छे से नहीं, बाकी सब सही है। तो गाइस इसी के साथ वीडियो करते ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।